हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम BTC का एनालिसिस करेंगे, लाइव एनालिसिस, और BTC अपडेट में पूरा आपको दूंगा कि इस हफ्ते में BTC क्या कर सकता है, किस लेवल के बाद आपको बुलिश होना है, बेरिश होना है, ये सारे लेवल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद इथेरियम ETH का भी एनालिसिस करेंगे, इथेरियम के बारे में हम लेवल्स फिर से देख लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको तब बोला था, जून, आई थिंक जून के आसपास हम थे, कि 27,000 के आप ऊपर आप थोड़ा बुलिश हो सकते हो। 32,000 हमने निकाला था रेजिस्टेंस, लेकिन मार्केट उससे पहले रुक गया था, शायद उतना स्ट्रेंथ नहीं था मार्केट में, वहां तक वो जा नहीं पाया, ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट टाइम सपोर्ट हमने 25,000 निकाला था, 100, वो उसने होल्ड किया, उसके बाद वहां से बुलिश हो गया, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मार्केट। अब ऐसे नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बुल रन स्टार्ट हो गया, ऐसी सारी चीजें आप सुनोगे मार्केट में, ऐसा नहीं होता है, मार्केट स्टेप बाय स्टेप कभी भी इवॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको बोलेंगे 31,500 अपने लिए अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, ये अपने लिए रेजिस्टेंस बन रहेगा, ठीक है। 31,500 इसको हम बोलेंगे अभी के लिए, अपने लिए ये इस हफ्ते में रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ से अगर हम क्रॉस करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हम 33,000 पकड़ सकते हैं यहाँ पे, और एक्चुअल मार्केट अगर 31,500 क्रॉस कर लेता है, उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है, तो वहाँ से हम एक्चुअली अपना टारगेट 34-35,000 तक का है, ठीक है। तो अभी के लिए वो उतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, बिकॉज BTC अभी थोड़ा बेरिशनेस और वीकनेस दिखा रहा है। तो सपोर्ट्स की सबसे पहले अभी हम बात करेंगे। अभी के लिए इस हफ्ते का सपोर्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 28,500, ठीक है। इंडिकेटर्स पे भी आपको दिखाऊंगा मैं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये लेवल्स मैं जो निकाल रहा हूँ वो कैसे हमने निकालिए। ओके, सो 28,500 अभी के लिए रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है। ओके, तो 28,500 अपने, सॉरी, सपोर्ट बन चुका है। तो 28,500 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, 500 नहीं, सॉरी, 28,900 करना चाहिए हमें, 28,900। ओके, तो 28,900 अपने लिए इस हफ्ते का सपोर्ट रहेगा। अगर BTC यहाँ से गिर जाता है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर अभी मैं आज लॉन्ग में अटक चुका हूँ कहाँ पे, तो 28,900 तक BTC मोस्ट प्रोबेबली नहीं रुकेगा, गिरता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 27,900 अपने लिए सपोर्ट बनेगा। ओके, ये दोनों लेवल्स आप याद रखना, बिकॉज अभी BTC गिर रहा है तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये दो लेवल्स है एक्चुअली, BTC 28,900 ही होल्ड कर लेगा, 29,000 पकड़ के चलो वो लेवल अच्छे से होल्ड कर पाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे EMS अगर ऑन करेंगे तो BTC अभी 20 EMA पे खड़ा है। ओके, अब अगर EMS की बात करेंगे तो आपको पता है BTC EMS को भी फॉलो करता है, तो बिगिनर्स कोर्स में ऑलरेडी हमने देखा था, तो जो लोगों ने वो कोर्स नहीं किया वो जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो 20 EMA से बाउंस होने के बाद, ऐसे नहीं कि यहाँ से मार्केट पूरा बाउंस करने के बाद एक ट्राई करते हैं बुल्स, फिर से सपोर्ट लेवल बनाते हैं, अपना बेस बनाते हैं, उसके बाद ऊपर जाने के प्रयास करते हैं। तो यहाँ से अगर बाउंस मिला है तो फिलहाल अभी के लिए सपोर्ट बन चुका है 29,700 के आसपास हमारे लिए अभी सपोर्ट है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा बाउंस कर लेता है मार्केट, और वहाँ से अगर 31,500 ब्रेक नहीं कर पाते, तो मोस्ट प्रोबेबली 28,900 तक वो आएगा ही आएगा। ओके, तो बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन जिन्होंने किए, मैंने भी शॉर्ट्स ओपन किए थे कल, तो वहाँ से अभी नीचे नीचे चलता आ रहा है मार्केट, तो ये पूरा शॉर्ट जोन बन चुका है। ओके, और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, 31,500 जो लेवल है ना, यहाँ पे एक मार्केट ने एक ऊपर की तरफ वीक बनाई थी। ओके, तो एक बात याद रखना, जब कभी मार्केट किसी लेवल में कंसोलिडेशन करता है और एक अगर वीक ऐसी बनाता है ऊपर की तरफ, मतलब ये पहले का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हमने दो बार टेस्ट किया एक्चुअली, थर्ड टाइम हमने एक वीक वहाँ पे बनाई, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भी आती है मार्केट, उसके बाद वीकली पे क्रैश हो सकता है। ओके, बिकॉज वो लिक्विडिटी कलेक्ट करता है मार्केट, स्टॉप लॉस सारे हिट करके मार्केट नीचे आता है। तो फिलहाल BTC ने वही किया है, तो 28,900 तक, 100 तक एक्सपेक्ट कर रहे हम, तभी मार्केट वहाँ तक सपोर्ट लेगा और गिरता रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ तक। ओके, तो आपको लॉन्ग करना है तो 29,000 आपके लिए अप्रॉक्सीमेट अच्छा जोन है, वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। तो ये अच्छा सिचुएशन यहाँ पे। लेकिन और एक चीज़ ऑब्जर्व करो, RSI भी आप देख लोगे तो थोड़ा अभी 50 के ऊपर है, चलो अभी भी हम अप ट्रेंड में है, लेकिन एक थोड़ा हल्का सा बेरिशनेस मार्केट में, डाइवर्जेंस यहाँ पे बनाया था, जो जो लोग डाइवर्जेंस जानते हैं वो उनको पता होगा, डाइवर्जेंस बना के मार्केट अभी थोड़ा नीचे नीचे आ रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब देखते हैं कितना ये होल्ड करेगा। अगर ये 29,700 होल्ड नहीं हो पाया तो 28,900 पे आप थोड़े टाइम के लिए लॉन्ग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से बहुत एक्सपेक्ट मत करो, थोड़ा ही बाउंस होगा, जहाँ पे भी 30,500 के आसपास फिर से फ्रेश शॉर्ट्स ओपन हो सकते हैं, तो संभल के रहना। ओके, यहाँ से अगर आप लॉन्ग हो तो थोड़ा सा ही मार्केट बाउंस हो रहा है, उसके बाद नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो BTC की लेवल्स ये सारी याद रखना, ट्रेंड लाइन तो काफ़ी नीचे है, तो वैसे भी हम अभी थोड़ा ऊपर की तरफ है, मार्केट ने यहाँ पे चैनल ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था, तो वो शायद रिटेस्ट के लिए फिर से आएगा।
देखते हैं रिटेस्ट करेगा तब पता चली जाएगा। तो वीक वीक बाय वीक हम उसको लेवल्स को देखते रहेंगे, ठीक है। इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम पहले देख लेते हैं। और एक चीज़, अगर आप स्कैल्पिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो ये एक्सचेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो MEXC नाम का एक्सचेंज है। उसके ऊपर फायदा है कि जीरो मेकर फीस है फ्यूचर्स में भी, स्पॉट के ऊपर भी जीरो मेकर और टेकर फीस है। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो जीरो मेकर फीस है, 0.01 टेकर फीस है। ओके, तो कंपेयर करेंगे बाइनेंस बाकी एक्सचेंजेस के साथ तो फ्यूचर्स में बहुत ही कम फी है। तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, तो ये एक्सचेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको $5 वगैरह बोनस वो सारी चीज़ें मिल सकती है ट्रांसफर करने पे। और लिंक से ही जाना होगा तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। और इनके पास बीच बीच में आप देखोगे तो डेमो ट्रेडिंग भी है, कॉपी ट्रेडिंग है, बहुत सारे ऑप्शन जो रेगुलर एक्सचेंजेस पे भी होते हैं। तो डेमो ट्रेडिंग भी इनका आप ट्राई कर सकते हो, फ्यूचर्स का डेमो ट्रेडिंग इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो साइन अप कर लेना, बहुत फायदा है। और लॉन्च पैड भी है इनका, लॉन्च पैड के ऊपर नए नए कॉइन्स आते रहते हैं, उसमें एयर ड्रॉप्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स इनके पास है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, काफ़ी फीस काफ़ी बच जाएगी आपकी, बहुत ही कम फीस है, मैंने ट्रेड करके देखा है फ्यूचर्स में। ओके, तो इथेरियम की अगर बात करेंगे तो चलो इथेरियम का अपडेट भी देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो लेवल्स हमने कुछ निकाली थी इथेरियम की, देखते हैं क्या कंडीशन है। BTC का आपको समझ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। देखो इथेरियम अभी बहुत से लोग यहीं पे शॉर्ट्स ओपन करके बैठे हैं। एक चीज़ याद रखो, ये अभी चैनल ब्रेकआउट किया है, सपोर्ट अभी बना रहा है, टाइप टाइप ट्राई कर रहा है मार्केट। मोस्ट प्रोबेबली अगर BTC 31,500 ब्रेक नहीं कर पाता या 30,500 ब्रेक नहीं कर पाता तो इथेरियम के 1,900 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स ओपन होंगे। और यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगा दो, यहाँ से बड़ा क्रैश आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वो क्रैश बड़ा हो सकता है इसके बाद, बिकॉज बार बार मार्केट ऐसे होल्ड नहीं कर पाता, इथेरियम ने बहुत होल्ड किया है लेवल। तो 1,900 के पास आप शॉर्ट अगर ओपन करते हो तो स्टॉप लॉस छोटा है और उसके बाद काफ़ी आप नीचे तक उसको राइड कर सकते हो, बिकॉज ये बड़ा क्रैश हो सकता है। याद रखना, ये थर्ड टाइम हमने ट्रेंड लाइन टेस्ट किया लेकिन बार बार उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो शॉर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा जोन है अगर BTC होल्ड नहीं कर पाता कुछ लेवल, ठीक है। तो काफ़ी ऊपर है मार्केट, देखते हैं अभी, ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्टली शॉर्ट ओपन करना है, ये छोटा टारगेट रहेगा, बाद में वो मार्केट डिसाइड करता है कितना आप उसको राइड कर सकते हो, वो टाइम टू टाइम हमें पता चलता है। ओके, जैसे जैसे मार्केट डेवलप होते जाएगा। तो ये लेवल सभी के लिए याद रखना, 1,900 के आसपास अगर कोई शॉर्ट ओपन करता है तो 1,750 तक आप उसको राइड कर सकते हो, या और नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो उसके नीचे भी आप उसको राइड कर सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर 1,900 के ऊपर सस्टेन हो गए तो 2,050 बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, वो यहाँ से आप लॉन्ग जा सकते हो 2,050 तक आराम से, आपको लेवल रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है वहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंड करता है BTC क्या करता है उसके ऊपर ही, बिकॉज इथेरियम है, LTC है, ये सारे कॉइन्स BTC को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे BTC डेवलप करेगा लेवल्स वैसे ही उसको भी फॉलो किया जाएगा। ओके, तो वो अपडेट मैं देते रहूंगा आपको, नेक्स्ट वीक में फिर से BTC के लेवल्स आपको दूंगा ही, क्या करने वाला है BTC, क्या उसमें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए 28,900 याद रखना, 29K के आसपास ही आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो होल्ड करना ही चाहिए मार्केट ने, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं वीकली के ऊपर। ओके, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वीकली के ऊपर BTC बेयरिश ही है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में आपको दूंगा, बाकी वीडियोस देखते रहना चैनल पे। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।